तो ये रीज़न है मेरा घूमने का कि मैं इतना क्यों घूमता हूँ, क्योंकि मम्मी मेरे यहाँ पे आए थे जब मैं होने वाला था, तब मैं यहाँ पे हो गया। मेरा राजा महाराजों का शहर है, तो मैं भी राजा से कम नहीं हूँ, क्योंकि अपनी माँ के लिए हर एक बच्चा राजा होता है, बेटा राजा, मैं भी बेटा राजा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। हेलो एवरीवन, तो गाइस आज दिन है शनिवार, मैं जा रहा हूँ बोन सिटी, माय बोन सिटी। तो गाइस मैं हूँ अभी स्कूल से। अभी स्कूल से आई है, ट्यूशन जाना है इसने। तो गाइस आज आपको लेके जाऊंगा माय बोन सिटी, शाही शहर। तो गाइस वहाँ पे राजा महाराजों ने ना जन्म लिए हैं। इनडायरेक्ट मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं राजा महाराजा, मैं तो सिर्फ 10 दिन ही वहाँ पे रहा हूँ। तो जैसे कि मम्मी मेरे घूमने गए, तो मम्मी के मामा जी, एक तो मेरे मामा जी एक मम्मी के मामा जी, वो वहाँ पे घूमने गए, तो मैं वहाँ पे हो गया। तो ठीक है, आपको लेके चलता हूँ। और क्या शहर का नाम क्या है मैं वहीं जाके बताऊंगा। शहर का नाम क्या है मैं वहीं पर जाके बताऊंगा। और 2-2.5 घंटे का रास्ता है, बाइक से चलेंगे, गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है नन्या, तो मैं भी जाऊंगी गाइस। नहीं तुम नहीं जाओगी गाइस। तो गाइस ऐसे है कि वहाँ पे जाने के ना 2 मकसद है। एक तो मैंने तो जैसे कि मैंने एक जगह जाना है माथा टेकने, दूसरी जगह भी माथा टेकने जाना है, वो मेरे सपने में आई थी। तो वो जगह मेरे सपने में आई थी। तो वो एक ऐसी जगह है जो मेरे सपने में आई थी, मैंने वहाँ पे जाना है। नहीं एक जगह है, मैं वो शायद मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँ, नहीं तो दूसरी जगह तो आपको 100% लेके जाऊँगा। ठीक है, तो नन्या की बात सुन लो थोड़ी सी। गाइस नाम हो चुका है नारायण। तो गाइस पारस नहीं जा रहा अब की। पारस के पेपर चल रहे हैं, नन्या के पापा जाएंगे, लव जी जाएंगे मेरे साथ। नहीं मैं भी जाऊंगी। तो जाती हूं काला नमक दियो। ठीक है गाइस, पारस नहीं जा रहा अब की। नहीं मैं बंद कर दियो, जो करना करो। तो ठीक है गाइस निकलते हैं अभी, तो घर से लव जी को उठा ले। तो गाइस जब तक लव जी आते हैं, मैं आपको यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसका मैं थोड़े से बातें हैं जो मैं बता दूँ आपको। 2018 में मेरा एक शहरी नाम का पेट था, डॉगी शहरी। तो 2018 में उसने जब छोड़ दिया हमें, मतलब कि जो वह हमें छोड़ के चला गया, तब यहाँ पे मैंने उसको दफनाया था, इस जगह पर जहाँ पे ये पत्ते गिरे हुए हैं ना यहाँ पे। तब ये कच्चा था, अब ये अभी इंटरलॉक की जो टाइलें हैं रोड बना दी, तब ये कच्चा था, मिट्टी मिट्टी थी यहाँ पे। तो 2018 से लेके अब तक मेरी माता मेरी मम्मा यहाँ पे उसके नाम का बिस्किट यहाँ पे डाल कर जाते हैं। 2018 और 5 साल, कितने 2 और 3, हाँ 5 साल हो गए। देख लो गाइस 5 साल लगातार मेरी माता रोज़ सुबह यहाँ आके बिस्किट डालते हैं और उसके नाम का यहाँ निकाल के जाते हैं। तो बहुत प्यार था उससे, उसने एकदम से ही बीमार हो गया है ना, उसका इलाज भी कराया, रात को ले के डॉक्टर के पास भी गया, लेकिन जब जिसकी लिखी होती है तब वो होना होता है। तब यहाँ पे मैंने उसको दफनाया था लव जी के घर के पास। तो अभी लव जी आ रहे हैं, अभी मुझे धूप बहुत हो रही है, तो मैंने सोचा ये आपको जगह भी बता दूँ। ये देखो धूप कितनी हो रही है, बाइक को बंद कर देते हैं भाई, आज पता नहीं सुबह से ये बाइक चलती जा रही है। तो यहाँ पे शहरी जब गया तो बहुत मन उदास हुआ था मेरा, 3 दिन मैंने रोटी नहीं खाई,
और जब अभी जिसका नाम मैंने रखा गुची, गुची जब आया था तब मैंने इसको बुलाया नहीं, मेरा मन उदास था मेरा, मैंने कहा अब मैं किसी से प्यार नहीं डालना, लेकिन इसने खुद ब खुद प्यार ले लिया। तो जो ये 2018 में मेरे घर पे आ गया था। तो ये शहरी की वो जगह है, मुझे अभी भी याद आती रहती है। मैं नहीं आता, मम्मा मेरी रोज़ सुबह आती हैं, उसके नाम का यहाँ बिस्कुट डाल के जाती हैं। चलते हैं, अभी स्टार्ट हो गई हमारी जर्नी, ढाई घंटे का रास्ता है। तो गाइस अभी रुके हैं सरहंद के पास, ये सरहंद का फ्लाईओवर आ गया और मौसम ने एकदम रंग बदल दिया। अच्छा हुआ, स्टार्टिंग में खन्ना तक तो इतनी गर्मी थी ना, अभी जाके मौसम ठीक हुआ। अभी पानी की बोतल कुछ खाने के लिए ले ले यहाँ से, यहाँ पे पानी की बोतल, उसके बाद आपको लेके चलेंगे माई डेस्टिनेशन माई बॉन्ड सिटी। तो भाई यहाँ भाई साहब चाय बनाएंगे और चाय पीकर चलेंगे, क्योंकि मैंने घर से चाय नहीं पिया सुबह से। तो भाई बैठने के लिए मिलेगी जगह, कितनी सुंदर है ना। तो चाय आ गई, चाय पीते हैं फटाफट, तो निकलते हैं धड़ाधड़। वाह भाई वाह, चाय तो टेस्टी है। तो भाई चाय हो गई, पैसे वैसे कितने पैसे हो गए भाई, कितने पैसे हो गए। तो गाइस चाय हो गई, अब बस आपको सिटी में मिलेंगे, उस शहर में मिलेंगे जहाँ पे आप जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इंट्रोड्यूस तो करा दूँ लव जी के साथ, जब से मैं ब्लॉग में आए। लव जी आ तो जाओ एक बार, मैं ब्लॉग च आए भी नहीं। तो जीजा जी से मिलाता हूँ, एक बार आ जाओ आने के। तो भाई चिंतपूर्णी के ब्लॉग के बाद अब ब्लॉग, मतलब पिछले साल का चिंतपूर्णी का ब्लॉग, उसके बाद अब मिला रहा हूँ मैं जीजा जी से। मिल लो भाई, हेलो बोल दो, ठीक है गाइस। चलो चलते हैं अभी डेस्टिनेशन पर, ओके चक्कर में बैग भूल के। चलो भाई, ये फ्लाईओवर उतरने के बाद फिर आपको सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे मिलेंगे। ये फ्लाईओवर कहता पटियाला।
भी दुख निवारण गुरुद्वारा है, लुधियाना में भी दुख निवारण गुरुद्वारा है। तो अभी पहले पटियाला में एंटर होते ही पहले गुरुद्वारा के दर्शन होते हैं, गुरुद्वारा साहिब के दर्शन होते हैं। कर लेंगे गाइस दर्शन। राजा महाराजों का शहर, मैं भी अपनी मम्मी का बेटा राजा हूँ, राजा बेटा। ओ हो, एक तो मौसम गाइस ऊपर से, वाह भाई वाह, घर से 290 किलोमीटर। काली माता मंदिर वाला रोड आ गया। तो ये है मेरी डेस्टिनेशन पटियाला, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब जाना है काली माता मंदिर। ये काली माता मंदिर का ये आ गया, शुरू हो गया यहाँ से। फ्रंट तो जावांगे ना, बैक तो नहीं जाना, ये बैक रास्ता वा। और यार फ्रंट, हाँ हाँ हाँ, शेरां वाला गेट। सो फाइनली पहुंच गए गाइस पटियाला, और काली माता मंदिर के पास ही है। अभी जाते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको काली माता मंदिर का ब्लॉग दिखाएंगे। पटियाले का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और आपको बता दूं कि मुझे इतना घूमने का शौक क्यों है। हैं लव जी, मैं क्या, मेरा मैं इतना पता क्यों घूमता हूँ, क्योंकि मम्मी घूमते घूमते इतने आए थे। सो तो मैं यहाँ पर हो गया, तब मुझे घूमने का शौक पड़ा। और मैं भी राजा से कम नहीं हूँ, ये राजाओं का शहर है, राजा महाराजों का शहर है, तो मैं भी राजा से कम नहीं हूँ। क्योंकि अपनी माँ के लिए हर एक बच्चा राजा होता है, बेटा राजा, मैं भी बेटा राजा हूँ। ठीक है, तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, पटियाले का ब्लॉग। अब मिलते हैं आपको काली माता मंदिर के ब्लॉग में। ठीक है, बाय।